शार्लेट फ्लेयर ने क्यों जीती वुमन चैंपियनशिप, कोफी किंगस्टन जाने वाले हैं रेसलमेनिया के अंदर और ब्रॉक लेसनर की वापसी हुई पक्की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइज, आज की वीडियो की शुरुआत की जाए स्मैकडाउन में हुए बड़े चेंजेस की न्यूज के साथ। तो दोस्तों, आज की स्मैकडाउन ने रेसलमेनिया को पूरा बदल कर रख दिया है। सबसे पहली चीज जो कि आज की स्मैकडाउन के अंदर हमें देखने को मिली वो थी दोस्तों शार्लेट फ्लेयर की जीत। तो आज शार्लेट फ्लेयर वुमन चैंपियन बन गई। हुआ क्या कि आज मैच रखा गया था स्मैकडाउन के अंदर शार्लेट फ्लेयर वर्सेस आस्का के बीच में, जहां स्मैकडाउन की वुमन चैंपियनशिप दाव के ऊपर थी। तो सभी को लग रहा था कि आस्का वहां डिफेंड कर जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहां दोस्तों फिगर फोर लेग लॉक के चलते वो कर जाती है टैप आउट, और आस्का का टैप आउट साफ करता है कि न्यू चैंपियन बन चुकी है, यानी कि आपकी शार्लेट फ्लेयर। तो शार्लेट फ्लेयर का रेसलमेनिया से पहले अचानक से वुमन चैंपियन बन जाना बड़ा सवाल पैदा करता है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। तो इसका जवाब स्मैकडाउन के अंदर ही छिपाया। आज आपने स्मैकडाउन के अंदर देखा कि WWE ने कंफर्म कर दिया कि महिलाओं का जो ये मैच होने वाला है, यानी कि ट्रिपल थ्रेट, ये होने वाला है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, यानी कि शो का जो एंड होगा वो होगा इस मैच के जरिए। और WWE चाहेगा कि इस मैच को बड़ा बनाया जाए। और जो आस्का थी, आस्का दोस्तों चैंपियन तो थी, लेकिन उनका इंपैक्ट मेन रोस्टर के ऊपर नहीं था। और यहां दोस्तों अब शार्लेट चैंपियन बन चुकी है, तो एक मैच कम हो गया और टाइम भी कंज्यूम अच्छे से होगा जब वो मैच हमें देखने को मिलेगा, यानी कि काफी बेहतरीन वो मैच हमें देखने को मिलेगा, काफी मजा आएगा। लेकिन अब हम चलते आज की दूसरी बड़ी खबर के ऊपर जो कि जुड़ी हुई है स्मैकडाउन से ही। स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों एक और चेंज हमें देखने को मिल गया। WWE जिस मैच को बार बार टीज किए जा रहा था उसे दोस्तों फाइनली बना दिया गया है। दरअसल आज विंस मिकमैन ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की। उन्होंने न्यू डे को कहा कि देखो जेवियर, देखो बिगी, अगर तुम दोनों आज टैग टीम गॉन्टलेट जीत जाते हो तो मैं तुम्हारे कोफी को डाल दूंगा रेसलमेनिया के अंदर। तो गॉन्टलेट मैच था और मैच के अंदर उन्हें कई टीम्स को फेस करना था। सबसे पहले उन्होंने फेस किया गैलोज और एंडरसन की टीम को, जिसमें वो जीते। उसके बाद रूसेफ और शिंस्के को फेस किया, जिसके अंदर वो जीते। उसके बाद वहां मैच देखने को मिला द बार के खिलाफ, द बार को भी बिगी और जेवियर वुड्स ने हरा दिया। लेकिन उसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है उसोस के खिलाफ। उसोस दोस्तों वहां क्या कहते हैं कि कोफी किंगस्टन काफी बड़े हकदार है नंबर वन कंटेंडरशिप पाने के, और ऐसे में वो उनसे उनका मौका नहीं छीनना चाहते और मैच को फोरफिट वहां करते हैं वो, यानी कि वो वहां पहले ही हार मान जाते हैं। और उसके बाद जो मैच देखने को मिलता है फाइनली हमें, वो मिलता है गॉन्टलेट का मेन मैच, जो होता है आपके डेनियल ब्रायन और एरिक रोवन के खिलाफ जेवियर और बिगी का। ये मैच काफी बड़ा था और इस मैच के अंदर काउट आउट के जरिए दोस्तों बिगी और जेवियर जीत जाते हैं। लोग चिल्लाते हैं वहां दोस्तों, सब जानते हैं कि अब क्या होने वाला है। और फाइनली हमें बैक स्टेज भी विंस मिकमैन ये कहते हुए नजर आते हैं कि हाँ, अब कोफी किंगस्टन रेसलमेनिया में जा रहा है। तो दोस्तों कोफी किंगस्टन वर्सेस डेनियल ब्रायन कन्फर्म हो चुका है, ऑफिशियली इस पर मुहर लग चुकी है। और कोफी किंगस्टन वहां अच्छा परफॉर्म करे ऐसी हम कामना करते हैं। और चलते हैं आज की मेन खबर के ऊपर। तो यह हफ्ता काफी अच्छा चला गया, लेकिन अगला हफ्ता बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि रॉ के अंदर दोस्तों ऑलरेडी दो बड़े सेगमेंट तय हो चुके हैं। तो अगली रॉ के अंदर सबसे पहला सेगमेंट जो रखा गया है वो है एक बड़ा मैच जो कि होने जा रहा है कर्ट एंगल का रॉ के अंदर आखिरी मैच, और ये होगा रे मिस्टीरियो के खिलाफ। तो रे मिस्टीरियो और कर्ट एंगल की हिस्ट्री रही है और यहां ये मैच तय हो चुका है। वहीं बात कर ली जाए दूसरे सेगमेंट की, तो गाइज वो होने वाला है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का। ब्रॉक लेसनर की होने वाली है फिर से रॉ के अंदर वापसी, जहां दोस्तों वो कन्फ्रंट कर सकते हैं आपकी सेथ रॉलिंस के खिलाफ, और इन दोनों के बीच में वहां हमें भसड़ देखने को मिल सकती है। इन दोनों के बीच में हमें हल्की सी तकरार वहां देखने को मिल सकती है। कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो अगले हफ्ते की रॉ में ही पता चलेगा, और अगले हफ्ते की रॉ होने वाली है रेसलमेनिया से पहले की आखिरी रॉ। तो कितने एक्साइटेड है आप आज के कमेंट बॉक्स में बताना मत भूले। वेल दोस्तों, आज की वीडियो इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।